उत्तर प्रदेश के इटावा में हो रहे अवैध खनन पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस प्रशासन ने अवैध खनन के प्रयोग में हो रही बालू से लदे 22 ट्रक को जब्त किया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद खनन माफियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि उप जिलाधिकारी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ बालू के खदानों पर छापेमारी की और खदानों में हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए बालू से लदे 22 ट्रक को जब्त किया। सर, आज अवैध खनन परवान पर क्या कार्रवाई हुई है? आज जो हमारी टास्क फोर्स है उसके द्वारा ये लखना मार्ग को चेक किया गया है और इसमें हमें 22 ट्रक जो ओवरलोडेड है वो मिले हैं। अभी उस पर कार्रवाई चल रही है, जो परिवहन विभाग से PTO साहब आ रखे हैं वो उसको अभी चलान की प्रक्रिया कर रहे हैं। खनन इंस्पेक्टर भी को बुलाए गए, वो भी देखेंगे और GST वाले। सर, ये कहाँ से आते हैं अवैध खनन? ये जो पीछे चक्करनगर की तरफ से आ रहे थे तो हमने इसको रास्ते में रोक के चेक किया तो वहाँ ये मिले। क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भी बर्तना थाने के अंदर की जो हमारा एरिया है वहाँ पे कोई भी परिवहन है जो बिना कागज के गलत तरीके से ओवरलोड जा रहा है उस पर कार्रवाई की। सर, कितने ट्रक कार्रवाई में पकड़े हैं? आज जो मिले 22 मिले। बता दें कि इस अभियान में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के अलावा खनन अधिकारी और PTO भी शामिल हैं। लखना रोड पर की गई कार्रवाई में 22 वाहनों को पकड़ा गया जो अवैध तरीके से ओवरलोड करके वाहनों को गुजारने में जुटे हुए थे और इन बालू खदानों में बहुत बड़े पैमाने पर नियम के विरुद्ध अवैध खनन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। पंजाब केसरी TV के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।